नस पर नस चढ़ना एक आम समस्या है। ये स्थिति ज्यादातर खतरनाक नहीं होती है, ना ही कोई बड़ी समस्या इससे होती है, लेकिन कई बार नस पर नस चढ़ने से तेज दर्द हो सकता है और कई बार परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपके भी नस पर नस चढ़ती है तो डॉक्टर प्रताप चौहान से जानेंगे इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये नस पर नस चढ़ना होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, खासतौर से रात को आप सो रहे हैं, रात को सोते सोते या सुबह जब सो के उठते हैं तो अचानक से बहुत तेज दर्द, या कभी कभार देखते हैं जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कई बार आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कोई बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है, अचानक से उसका जो है मसल उसमें स्पैज़म आ जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है, बैट्समैन के साथ भी ऐसा होता है। तो ये जो होती है, ये जो सिचुएशन, इसमें होता क्या है कि बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और बिल्कुल आदमी की जैसे जान निकल जाती है, वहीं पर बैठना पड़ता है उसको या वहीं पर रुकना पड़ता है, और इसके कारण जो है मांसपेशियों में एक खिंचाव महसूस होता है, उसमें एक दर्द भी महसूस होता है। और इस अवस्था में कई बार आप देखते हैं कि कभी कभार थोड़ा जेंटल मालिश करते हैं हल्का सा, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन 2-3 मिनट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है। ज्यादातर जो है आपकी थाइज की जो मसल्स हैं या पीछे नीचे पिंडलियों की जो मसल्स हैं या कभी हाथ की मसल्स में, पेट की मसल्स में या कमर के अंदर, ये मसल में स्पाजम या नस पे नस चढ़ना ही देखा जाता है। दर्द के अलावा जो है वहां पर लक्षण अगर देखें तो कई बार मांसपेशियों में अकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस आ जाती है, उसके आसपास कोई जोड़ अगर है उस मसल के तो उस जोड़ में भी थोड़ा दर्द होने लगता है। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ी फड़कन उसमें जैसे जैसे कुछ ट्विचिंग टाइप की उस मसल के अंदर हो रही है, और जो है जो जिसको जब मसल पुल होता है तो व्यक्ति चल नहीं सकता है नॉर्मली, 2-3 मिनट के बाद या जेंटल थोड़ा सा रबिंग करने से, थोड़ा मसाज करने से ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द बाद में भी कुछ घंटों के लिए या कई बार एक दिन के लिए वो दर्द वहां बना रहता है। जैतून के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अब हमें ये समझाइए कि किन कारणों की वजह से कुछ लोगों की जो नस है वो बार बार चढ़ जाती है। कि सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, आजकल लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते हैं, या जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन लोग नहीं खाते हैं, आजकल ज्यादातर चाय खा ली, कहीं टोस्ट खा लिया, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, आजकल बहुत लोग इसी में जो है अपना दिन निकाल देते हैं पूरा, तो कमजोरी इसका एक कारण है। आयुर्वेद में हम इसको धातु क्षय बोलते हैं, यानी कि हमारे जो मसल्स या कोई भी जो दूसरे धातु है उनमें किसी प्रकार की वीकनेस आ जाए तो ये एक इस प्रकार की समस्या जो है फिर शरीर में आती है, जिसमें कि आपके मसल्स के अंदर स्पाजम आ जाता है, नस पे नस चढ़ना जिसको कहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि यदि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा स्थिर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, व्यायाम आप नहीं करते, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, या मसल्स में किसी प्रकार की कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो वो स्टिफनेस हो जाती है, वो एक कारण बनता है। और इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ा कारण इसका है, जो लोग ओबेस होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, और शरीर में किसी कारण से अगर पानी की कमी हो जाए, ये भी एक कारण, डिहाइड्रेशन, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कई बार लूज मोशन हो जाए, रात को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो पानी पूरा पीते नहीं है लोग, पानी कम पीते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। मांसपेशियों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कमी हो जाए हमारी मांसपेशियों के अंदर, सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम इस तरह के जो है ये सब तत्व पाए जाते हैं, इनकी कमी होने से। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं आपको, अगर टाइट फिटिंग पहनते हैं, आजकल बहुत लोग ज्यादा टाइट, बिल्कुल टाइट पैंट पहनेंगे, जींस पहनेंगे, उससे भी सर्कुलेशन वहां रुक जाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। मानसिक तनाव ये किसका कारण है, जब बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस हो, नींद अगर रात को अच्छी नहीं आती है उसके कारण भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन आप करते हैं, ब्लैक टी चाय जो चलती है हमारे यहाँ पर या कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो ये तमाम कारण है। कारण मैंने आपको बताए हैं, निवारण भी बताएंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कोई भयंकर रोग नहीं है, जानलेवा रोग नहीं है, लेकिन फिर भी रोग चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो उसको हमें
नजरअंदाज नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।